महिलाएं सारी वर्जनाएं तोड़कर नित नया इतिहास लिख रही हैं, वहीं भारतीय सेना भी नारी के सशक्त स्वरूप का गवाह बन रही है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह दुनिया की सर्वोत्तम श्रेणी के युद्धक विमानों में एक राफेल की पहली महिला पायलट बनने जा रही हैं। राफेल जैसे ही भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल MiG-21 बाइसन की जगह लेगा, शिवांगी इस भूमिका में आ जाएंगी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ी लिखी फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह महिला पायलटों के दूसरे बैच की हिस्सा है, जिनकी कमीशनिंग 2017 में हुई। भारतीय वायुसेना के पास फाइटर प्लेन उड़ाने वाली 10 महिला पायलट हैं, जो सुपरसोनिक जेट्स उड़ाने की कठिन ट्रेनिंग से गुजरी हैं। एक पायलट को ट्रेनिंग पर 15 करोड़ रुपए का खर्च आता है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह भारतीय वायुसेना में बतौर फाइटर जेट उड़ाने वाली महिला पायलटों के पहले बैच में शामिल थी। उन्हें जून 2016 में इसकी बेसिक ट्रेनिंग दी गई थी। इन महिलाओं ने ही सशस्त्र बलों के युद्धक अभियानों से महिलाओं को बाहर रखने की नीति को धता बताते हुए नया इतिहास रचा है। शिवांगी के पिता ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनकी बेटी देश की सेवा करके उनका नाम रोशन करेगी और मुझे उस पर गर्व है और बेटियों को समाज में बढ़ने के लिए प्रेरित भी करेंगी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बेटी जो सैनिक बन के देश की सुरक्षा राफेल उड़ा के करेगी। वो मैं तो यही उसको आशीर्वाद देती हूँ कि वो अपने देश की सेवा अपने फर्ज को निभाते हुए करेगी और पूरे विश्वास के साथ अपने देशवासियों का जो है कि रक्षा करेगी, सुरक्षा करेगी सीमा पर रह के। गर्व की महसूस हो रही है, ऐसे बड़ा खुशी कुछ नहीं हो सकती है। और बेटियों के लिए है कि माँ बाप से कि बेटी को घर से बाहर निकालें, जो भी उनकी चॉइस हो, किस फील्ड में हो, उस फील्ड में भेजा जाए। यही माँ बेटियों को मैं संदेश देना चाहता हूँ।